गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने वाली है विसर्जन की रैली काफी खतरनाक तरीके से। गोकुलधाम सोसाइटी से निकलती हुई विसर्जन की रैली गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस देख सकते हो गोकुलधाम की बस भी निकल चुकी है विसर्जन की रैली के लिए। क्या बात है कि गोकुलधाम सोसाइटी से विसर्जन रैली निकलती हुई गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। भाई गोकुलधाम सोसाइटी में किया जा रहा है गणेश जी का विसर्जन, देख सकते हो काफी खतरनाक तरीके से। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और जी टीवी की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस यहां पे चिलवेल चल रहा था, मैं अपने घर पे आ गया था गोकुलधाम सोसाइटी में पूजा वूजा करा के, पर अब बारी आ चुकी है विसर्जन की। तो विसर्जन की तैयारियां करने के लिए मैं अपने घर पे आया था रात को और सारी तैयारियां ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ट्रक वगैरह पहुंच चुका है, जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है सबसे बड़ी मूर्ति है जो पूरे टाउन में हमारे पूरे शहर में बोल सकते हो आप। तो भाई वो सबसे बड़ी मूर्ति हम लेके आए थे जैसे कि आपने देखा था गोकुलधाम सोसाइटी में। तो अब विसर्जन के लिए गोकुलधाम वासी पूरे तैयार हो रहे हैं और हम भी रेडी होने के लिए इधर की साइड आ चुके हैं। एक बार थोड़ा ऑफिस का काम वाम है वो निपटा लेता हूँ, फिर हम लेके चलेंगे आज एल्विश भाई की जो फॉर्चुनर उसमें ही चलने वाला है। काफ़ी प्यारी दिख रही है भाई, एक नंबर सिस्टम एंकर आने वाली, सर्विस करवा दी उसकी आज, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए थे यार फॉर्चुनर की सर्विस नहीं कराई थी। और भीड़े अंकल भी कह रहे हैं कि एल्विश भाई की तरह ही उनकी गाड़ी भी मॉडिफाई कराओ मोटे मोटे टायरों के साथ। तो हमने कहा कि यार भीड़े अंकल आप ना फिर हटवा भी जल्दी देते हो, जैसे ब्लैक जर्सी से करवाए थे उनकी गाड़ी पर तो वो भी हटवा देते। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भीड़े अंकल को मतलब कि मनाई लिया कि मत कराना मॉडिफाई, पर उनको टायर तो मॉडिफाइड चाहिए चाहिए, बाकी और चीज़ें तो नहीं करानी, जैसे पुलिस की लाइट लगी हुई है सारी चीज़ें उन्हें नहीं करानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भीड़े अंकल की वो वाली चीज़ें भी हम काफ़ी जल्दी करा देंगे, पर सबसे पहले हमें आज तैयारी करनी है विसर्जन की जो कि होने वाली है गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एक बार थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खा लो, फिर पिज़्ज़ा खाना है एक बाइट, एंड फिर यहाँ से निकलना है अपनी गड्डी लेकर और गोकुलधाम सोसाइटी में सारी तैयारियाँ करानी है। उसके बाद विसर्जन की रैली सी निकलने वाली है, सारे लोग भाई साहब डीजे पे नाचते नाचते निकलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो लोगों। एक बार बस सारा सिस्टम हैंग कर दूँ ना दो के मैं भी रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। जितने आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और तो लेट्स गो जल्दी जल्दी कर दो। सो गाइस देख सकते हो एल्विश भाई की गड्डी लेके हम निकल चुके हैं फॉर्चुनर भाई साहब 0001 वाली जो है अपनी, और पार्क के पीछे देख सकते हो भाई श्री राम जी का टैटू लगा हुआ है, और भागने में तो एक नंबर हो गए भाई एल्विश भाई की फॉर्चुनर हम काफ़ी बात चला रहे हैं। जो उनकी मर्सिडीज है AMG E53 वो तो हम चलाते रहते हैं जैसे कि आपने देखा ही, तो उसकी मॉडिफिकेशन भी अभी करानी बाकी है। रैप वगैरह करवाने वाले एल्विश भाई, तो देखते हैं कौन सा रैप करवाने वाले हैं, फिर उसके बाद अब आपसे लोगों को दिखाएंगे। बाकी अपनी देखते तो एल्विश भाई की गड्डी एक नंबर लग रही है, चलने में भी एक नंबर है, और अभी ये मतलब सर्विस ही कराइए तो थोड़ा ब्राइटनेस आपको कलर दिख रहा होगा, चमचमाती आपको दिख रही होगी, पर बढ़िया है, एक नंबर सिस्टम हैंग करने वाली लग रही है। देखते तो भाई साहब क्या चलती है, क्या भाई साहब भक्ति एक नंबर है भाई वाली फॉर्चुनर, मतलब कि मॉडिफाइड है ना तो अलग ही टोरा, और बाकी इसके जो टायर्स है वो तो भाई अलग ही चमचमाते हुए दिखते हैं। बाकी आगे से देख सकते हैं लुकिंग वुकिंग पूरी प्यारी है, चारों इंडिकेटर जलाई रखे हमने। अरे नहीं बच गई भाई, कुछ नहीं हुआ उसकी गाड़ी को भी कुछ ना। चलो भाई साहब एंड टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया तभी बची है, वरना गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती है फिर मुझे चिपके के पास चलना पड़ता। अभी मैं सर्विस करवा के आया था यहाँ आने से पहले, क्योंकि एल्विश भाई कह रहे थे कि यार गाड़ी की सर्विस टाइम पे करवा लेना, पर भाई हम नहीं करवा पा रहे थे, पर जैसे कोई टाइम मिला तो हमने गाड़ी की सर्विस करा ली। बाकी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर दे, खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग कर देगा ये तो भाई बहुत ज़्यादा हुई हो जाएगी, ये वाली तो हम नहीं कर पाएंगे। बाकी भाई ओवरऑल लुक देखा जाए काफ़ी प्यारा गाड़ी का, फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है यार डैडी है, फिर फॉर्चुनर तो सब गाड़ियों का जैसे कि आपको पता ही है, ऐसी भी उसमें तो काफ़ी प्यारी गाड़ी है जैसे कि आपको दिख ही रही है। और ये अरे नहीं 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 आराम से चलानी पड़ेगी वीडियो लोगों को, भाई डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं आई ना। चलो भाई साहब बढ़िया चलने में तो एक नंबर है, हैंडलिंग स्मूथ हो गई इसकी सर्विस के बाद, इसका पूरा मतलब कि अंदर का सारा कचड़ा वचड़ा साफ करवा के सब कुछ चीज़ें चेंज करवा दिया, और ड्रिफ्टिंग देखो कितने तगड़े तरीके से मारी, और आगे की लाइटें वाइटें आपको पता है रेड कलर की करवा रखी है एल्विश भाई गड्डी की, तो भाई एक नंबर ऑल ओवर लुक काफ़ी प्यारा हो चुका है। और अब जाके हमें भाई चलना है गोकुलधाम सोसाइटी में, गोकुलधाम सोसाइटी से अभी काफ़ी दूर हम, तो फटाफट वहाँ पर पहुँचते हैं एंड वहाँ पर तैयारियाँ वैयारियाँ शुरू करवाते हैं, और सारी चीज़ें सेटलमेंट जो मैंने कही है वो हुई है नहीं हुई है सब देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस फटाफट अभी चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में और जाके देखते हैं क्या माहौल है क्या नहीं है, पूरा रेडी हो गई गोकुलधाम सोसाइटी है नहीं, तो लेट्स गो चलते हैं सीधा वहीं पर, फिर मिलते हैं आप सब लोगों, लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो हम पहुंच गए गोकुलधाम सोसाइटी के बहुत ही करीब, और सामने की साइड मुझे गाड़ियाँ वाड़ियाँ डीजे वगैरह दिख रहे हैं, और गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया भी दिख रहे, तो क्या बात है भाई सिस्टम हैंग करने वाली चीज़ें कर दी, और जगह तो बिल्कुल छोड़ी ही नहीं है बीड़ू लोगों, तो भाई साइड में लगानी पड़ेगी अपनी फॉर्चुनर, तो हमने साइड में लगा दिया है। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से सिस्टम, भाई साहब सिस्टम तो रेडी हो चुका है पूरा गोकुलधाम से निकलने के लिए, ये देखो बीड़ू लोगों क्या नज़ारे आ रहे हैं भाई साहब, इतनी लंबी लंबी गाड़ी आ चुकी है। बाकी देख सकते हो भाई गणपति बप्पा मोरिया निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, विसर्जन के लिए सारी गाड़ियाँ रेडी हो चुकी है गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने के लिए, देख सकते हो भाई गणपति
राष्ट्रपति बप्पा मोरिया को बिठा दिया गया ट्रक के ऊपर। भाई साहब इस बार तो लंबे वाला हैवी वाला ट्रक लेके आए, क्या बात है क्या बात है। पीछे तक देखते तो लाइन लग चुकी है। बाकी गोकुलधाम सोसाइटी से विसर्जन की तैयारियां स्टार्टिंग हो चुकी है काफी तगड़े तरीके से। बाकी गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया तो हो ही गया, देख सकते हो यहाँ पे क्या बात है क्या बात है। तो गाइज अभी भिड़े अंकल का फोन आता, भिड़े अंकल ने कह रहा है यार पूरा रास्ता रुक चुका है, हम रेडी होके आ रहे सोसाइटी वाले, जितने तू गाड़िया वाड़िया बाहर लगा दो, अभी दिखाते हैं आपको सारा सिस्टम हैंग होते हुए यहाँ पे। भाई देख सकते हो सबसे आगे जो रखनी है हमें रखनी है फॉर्च्यूनर डीजे, क्या बात है। तो आगे पूरी पब्लिक नाचते हुए चलेगी, गुलाल वगैरह उड़ाते हुए चलेगी, तो काफी ज्यादा मजा आएंगे। उसके पीछे जो रखा है हमने अपना जो बोलेरो पे डीजे, अपना गब्बर डीजे काफी प्यारा लग रहा है। फिर पीछे ट्रक देखो भाई, ट्रक तो हैवी सा लग रहा है भाई साहब, क्या सिस्टम हैंग करने वाला लग रहा है। इसका बंपर टूट गया क्या फिर ऐसे ही है? भाई देख सकते हो इसका बंपर थोड़ा निकला हुआ सा लग रहा है, पर नहीं ये डिजाइन है देख सकते हो यहाँ पे अटैच हो रखा है, क्या बात है भाई। ये कनाडा का ट्रक मंगा लिया, यहाँ पे अमेरिका में भी बहुत चलते हैं वाले ट्रक, क्या बात है क्या बात है। बाकी भाई पीछे देख सकते हो भाई गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया यहाँ पे देख सकते हो पूरा अटैच हो रखा है, यहाँ से देख सकते हो पूरा सिस्टम। ये देखो नीचे की साइड, और भाई यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है, और भाई साइड से चले तो भाई साहब काफ़ी साइड से चलना पड़ेगा भीड़ लोगों। तो पीछे बस रखी है जिसमें गोकुलधाम वासी आने वाले हैं, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ वगैरह तो पुलिस की आएगी जो हमें सिक्योरिटी देने के लिए आएगी। उसके बाद देखा जाए तो हमारा ट्रक डीजे भाई साहब कलरिंग वलरिंग चेंज करा दी, क्या बात है क्या बात है। चलो व्हाइट कलर का मंगाया और पीछे लाइम ग्रीन कलर है, काफ़ी प्यारी लग रही है अपनी सारी मतलब यात्रा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भीड़ लोगों। बाकी भाई साइड से निकलना पड़ेगा, अरे ओ ओ ओ भाई 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 भाई, तो लेट्स गो भाई। अभी बस एक बार भिड़े अंकल से बाकी चीज़ें कंसर्न कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और करनी है, फिर यहाँ से लेके निकलेंगे हम हमारी रैली जो कि होने वाली है विसर्जन की, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है वीडियो देख सकते हो भाई। भाई गोकुलधाम सोसाइटी में डीजे वगैरह रेडी हो चुके हैं भाई, देख सकते हो सारा सिस्टम सेट हो चुका है। गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने वाली है विसर्जन की रैली काफ़ी खतरनाक तरीके से देख सकते हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला वीडियो आपसे लोग को। बस एक बार भिड़े अंकल को बाहर बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर सारी गाड़ियाँ हटाने का जिम्मा भी तो लेना है मुझे, तो लेट्स गो गाइस। जितना आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइस देख सकते हो गोकुलधाम सोसाइटी से निकलती हुई विसर्जन की रैली, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, क्या बात है क्या बात है। सिस्टम सेट कर रहे हैं इधर की साइड भाई, आगे की साइड हमें सारे डीजे वगैरह लगाने, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिडू। तो भाई साहब ये वाली गड्डी तो हमें यहीं खड़ी करनी है, ये खड़ी कर दी अपने अपने फॉर्च्यूनर का जो डीजे लगवा रखा हमने, किसी ने देखा ऐसे डीजे नहीं देखा ना, तो यही तो सिस्टम है फिर फ्रैंकलिन कलवे का। बाकी उसके पीछे रखा है हमने ये वाला डीजे जो अपना बोलेरो पे डीजे, क्या बात है गब्बर डीजे गुदली, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है जैसा कि आपको पता ही है। तो ये जला दी लाइट और अब देखो भाई सिस्टम हैंग करने वाली, स्टंट से दिखा दूंगा, थोड़ी स्टंट से देख लूँ तो मतते हैं यार आपके भी। चलो 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 दो, और भैंस की भाई रिवर्स गियर में इसमें थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, कितने स्मोक सा छोड़ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी भाई साहब सिस्टम तो सेट कर देंगे हमारा आराम से। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, क्या बात है क्या बात है। बाकी गब्बर डीजे देख सकते हो क्या डांस करता हुआ विसर्जन में, ओ ये क्या बात है, सिस्टम सेट है, क्या बात है क्या बात है। इसके बाद भाई हैवी गाड़ी आने वाली जो भाई विसर्जन वाली अपनी, उसको निकालने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली, तो इसके पीछे रखने वाले हम बोलेरो वाली गाड़ी, बोलेरो वाला डीजे भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब आने वाली है भाई साहब हमारी विसर्जन वाला ट्रक, तो देख सकते हो भाई गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने वाली है विसर्जन रैली, तो भाई साहब देख सकते हो क्या बात है सिस्टम सेट करने वाली चीज़ें। तो ओ ये लाइट वाइट चला के देखें भाई क्या सिस्टम है, अंदर का इंटीरियर दिखाऊँ आपको इस ट्रक का, ये देखो भाई अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती रहती है, चलान वगैरह कटता है वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती है। बाकी ये देख सकते हो भाई भाई गोकुलधाम सोसाइटी तो भाई अलग ही सिस्टम सेट कर दिया। लेट्स गो भाई गोकुलधाम सोसाइटी से निकल रही है विसर्जन रैली, देख सकते हो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। बाकी भाई काफ़ी हैवी ट्रक है भैंस की टेंट, इसको यहाँ से तो नहीं मुड़ेगा गाइस ये, अरे अटकियो मत भाई अटक रहा है, जैसे कि ये वाला ट्रक भी अटक रहा है, देख रहे हो बम्पर नीचे लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आगे जाके मुझे मोड़ के लानी चाहिए गाड़ी। तो लेट्स गो इधर की साइड मोड़ेंगे पहले, फिर आगे घुमा के लाएंगे, क्योंकि भाई साहब ये सिस्टम सेट करने वाली चीज़ है। बाकी गणपति जी की मूर्ति देख सकते हो भाई काफ़ी प्यारी लग रही है, ओ भाई 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 कहीं से मोड़नी पड़ेगी, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होगा ना वहाँ से मोड़ेंगे। बाकी देखो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हो चुका है। बाकी लेट्स गो कहाँ से यार, थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को, बस यहाँ से मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से घुमा देंगे ट्रक को, थोड़ा ऊपर वाली जगह मिलेगी ना मेरे को। लेट्स गो बस अब इसको करना है, पीछे की साइड रिवर्स लेना है, तो भाई साहब ऐसे करके लेना पड़ेगा, नहीं वीडियो लोगों ये डिसअटैच ना हो जाए, मेरे को डर सा लग रहा है भाई। पूरी मुड़ चुका है ट्रक, देख सकते हो कहाँ से मोड़ रहा हूँ भाई 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 भाइयों के बीच में से, पर भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है अपना गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, देख सकते हो भाई भाई गणपति जी की मूर्ति जा रही है विसर्जन के लिए, देख सकते हो गोकुलधाम सोसाइटी से, क्या बात है क्या बात है। सिस्टम सेट हो चुका पूरा काफ़ी खतरनाक तरीके से। लेट्स गो इसको इसके पीछे लगाना हमें,
भाई काफी मजा आ रहा है, देख सकते हो। ओ ये क्या बात है, क्या बात है, ये ट्रक लग गया है यहाँ पे। अभी बस और डीजे और लेके आना, तो भाई काफी खतरनाक तरीके से आज रैली ने हम निकालने वाले हैं यहाँ पे विसर्जन की, भाई काफी मजा आने वाला है। अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया मैंने, चलो भाई गेट बंद कर देता हूँ, ये हो गया बंद। अब चलते हैं भाई अपनी बस वगैरह लेने, बाकी फॉर्चुनर तो इधर की साइड ही खड़ी है। अरे ये किसका फोन आ रहा है, मैं इसकी डाटा भी नहीं उठा रहा फोन, तो भाई बीड अंकल फोन कर रहे हैं, पहले सारा काम कर लेते हैं फिर मिलेंगे भाई साहब बीड अंकल से भी, क्योंकि बीड अंकल पता नहीं अब क्या बोल रहे होंगे, भैंस की डेट उनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा होता है, तो लेट्स गो। अरे बार बार फोन कर, एक बार बीड अंकल का फोन उठा लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे लोग। तो गाइस देख सकते हो गोकुलधाम की बस भी निकल चुकी है विसर्जन की रैली के लिए, क्या बात है, क्या बात है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया हो रखा है। बाकी यार ये वाला जो जंपर सा बना हुआ है ना, इसको ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगने लग गई अब, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया है सिस्टम भी। ओ भाई भाई बस मोड़नी पड़ेगी आगे की साइड से लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामला है यहाँ पे, देख सकते हो। ओ बस 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 आन दो बस मुड़ गई अपनी बस भी भाई, पीछे तो काफ़ी रैली सिटी बन गई। अब तो अपना ट्रक डीजे कहाँ से निकालेंगे फिर यार, तो इसको थोड़ा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ट्रक डीजे के लिए हमें फॉर्चुनर वहाँ से हटानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम फॉर्चुनर को तो उधर की साइड खड़ी कर देते हैं। लेट्स गो, हमारी फॉर्चुनर को हटा देते हैं यहाँ से भाई, सिस्टम सेट करने वाली चीज़ें भी ये, इसको आगे लगा दे क्या, इसको आगे लगा देते हैं, बिल्कुल सिस्टम सेट करने वाली जगह। तो लेट्स गो, आगे की साइड यहाँ पे खड़ी कर दी हमने फॉर्चुनर भी, लेट्स गो। फॉर्चुनर हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हमारी डीजे की जो पूरी रैली है डीजे की है, तो बस उसको देखते हुए। तो लेट्स गो, यहाँ से निकल चुके हैं, फॉर्चुनर भी आगे की साइड सेट हो चुके हैं, बस अब जो बचा है ट्रक डीजे बचा है, जिसको हम उधर की साइड से निकालेंगे, क्योंकि मेन रस्ते पर तो बस खड़ी हो चुकी है, क्योंकि गोकुलधाम वासी यहीं से आके फिर सीधा बैठ जाएंगे ना बस में, तो क्योंकि आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बाकी बढ़िया सिस्टम हो रखा है सारा, देखते हो पीछे की साइड का पप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया हो चुका है। बाकी देख सकते हो ये ट्रक डीजे अब चला के लेके चलेंगे, सबसे बड़ा ट्रक डीजे देख सकते हो दुनिया का। चलो 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 लेके चलते हैं भाई, भाई भाई भीड़ वो काफ़ी मज़ा आ रहा है भीड़ू, भाई 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 ट्रक डीजे तो अलग ही लग रहा है भाई। सबसे बड़ा ट्रक डीजे भी निकल चुका है, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, क्या बात है, क्या बात है भाई। अरे यार ये बैनर किसने लगा रखा है, यू टर्न लेना उधर की साइड अलाउ नहीं भाई, देख के तो अलाउ होगा ही ना। ये गोकुलधाम वासी भी अलग है सिस्टम सेट कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा मोड़ के लाना पड़ेगा, क्योंकि रोड थोड़ी छोटी पड़ रही है आज, चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, गणपति जी की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही है, तो काफ़ी मौज बांधने वाले हैं गोकुलधाम वासी। चलो भाई आराम आराम से चल के खड़े हो जाते हैं भाई, ये देखो भाई 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 बस सिस्टम सेट हो चुका पूरा, ये बस थोड़ा सा आगे साइड लगा देते हैं, बस ये लग चुका अपना डीजे भी, सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है, सेटलमेंट हो चुका है। बस अब जो सेटलमेंट करनी बाकी है वो है भाई साहब गोकुलधाम वासी आएंगे, जो भी उन्हें सिस्टम हैंग करना डांस वांस करना है वो करेंगे, और फिर चलेंगे विसर्जन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला वीडियो लोगों आपसे लोगों को। बाकी ये देखो भाई विसर्जन रैली पूरी रेडी हो चुकी है, गोकुलधाम वासी भी रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो भाई 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 क्या लग रहे हैं। ओ ये भाई ये लाइनें देख सकते हो, ये यूँ हट जाती है फिर। बाकी देख सकते हो भाई गोकुलधाम सोसाइटी से विसर्जन रैली निकलती हुई, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति जी का विसर्जन करने के लिए निकल चुके हैं सारे गोकुलधाम वासी, देख सकते हो एक रैली लेके भाई साहब। गणपति जी की मूर्ति तो क्या लग रही है, और पीछे तक देख सकते हो भाई चीजे खड़ी अपनी भाई, गाड़ी गाड़ी भाई डीजे आ चुके हैं, भैंस की टेंट, क्या बात है, क्या बात है। सिस्टम तो सेट कर देंगे, बाकी अपना ट्रक डीजे देख सकते हो पीछे एक साइड खड़ा, बस वगैरह सारी चीजें आ चुकी है, सारा सेटलमेंट हो चुका है। बस अब जो दिखाना पीछे एक साइड से कैसी लग रही है अपनी रैली वो भी तो देखना है, क्या बात है, क्या बात है। ट्रक तो काफ़ी पीछे खड़ा कर दिया हमने ज़्यादा ही, बाकी भाई बढ़िया लग रही सारी चीज़ें, मुझे तो काफ़ी प्यारी लग रही है। देखते तो भाई सबसे बड़ा ट्रक डीजे भी आ चुका, सारी मतलब गाड़ियाँ रेडी हो चुके हैं विसर्जन के लिए भाई गोकुलधाम में। देखते तो भाई गोकुलधाम सोसाइटी से विसर्जन की रैली निकलने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं, सिस्टम सेट कर देंगे आज तो बिल्कुल भाई साहब। देख सकते हो क्या बात है, क्या बात है। पीछे से देख सकते हो भाई रैली का कुछ लुक ऐसा आ रहा भाई, सारी गाड़ियाँ बस वगैरह डीजे वगैरह कुछ ऐसे दिखते हैं। बाकी भाई गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने वाली है, गोकुलधाम सोसाइटी से निकलने वाली है हमारी गणेश जी की जो है विसर्जन। तो भाई साहब देख सकते हो मंगल मूर्ति मोरिया तो कर देना कमेंटों में सेक्शनों में, बाकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो जब पूरी गाड़ियाँ निकलेगी एक साथ विसर्जन के लिए। भाई गोकुलधाम सोसाइटी में किया जा रहा है गणेश जी का विसर्जन, देख सकते हो काफ़ी खतरनाक तरीके से, क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक है फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो, काफ़ी जल्दी आएगा जब विसर्जन के लिए हम लेके चलेंगे अपने गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के लिए। तो ठीक है फिर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो, जब तक अच्छा फिर अगली घड़ी, बाय बाय।